जो कंटेंट राइटिंग एजेंसी चलाते हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कंटेंट राइटिंग से करी थी और दोस्तों एक और बात बता दो मैं विनायक जी से मिला था बैंकॉक के एक इवेंट में अफिलियट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आपने उसका भी वीडियो देखा होगा जिसमें इनके साथ मैंने एक छोटा सा बाइट निकाला था कि आप पैसे कमाने के लिए कर दे क्या हो तो चलिए हमारा पहला ही क्वेश्चन आपके साथ विनायक जी सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे थैंक यू सो मच तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हो सो so, अभी हम पैसे कमाने के लिए अपनी कंटेंट क्रिएशन एजेंसी रन करते हैं जहाँ पे हमारे पास 100 प्लस राइटर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करने हंड्रेड प्लस राइटर्स आपके yes. और आपकी शुरुआत कैसे हुई थी कंटेंट राइटिंग सो so, मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड से मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता था एक टेक uh, कंपनी के लिए ओके बट साइड वाइज हमने एक ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट किया कि कुछ अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सो so, वहाँ से जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे थे हमने सर्च करना स्टार्ट किया कुछ राइटर्स तो को हमने शॉर्टलिस्ट करके अपने टीम में ऐड किया वहीं पे पर हमें रिक्वायरमेंट्स दिखने लगी उन लोगों की जिन्हें की कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट थी सो so, हमें इनिशियल लेवल पे ब्लॉगिंग से कोई भी अर्निंग नहीं होती है सो व्हाट वी डेड इज कि हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हमने उन्हें पेच किया कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट क्रिएट करने में यहाँ के दो प्लस पॉइंट्स थे एक था कि हमें देखना कि वो जो ब्लॉगर है या फिर जिन्हें कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वो वर्क किस तरह करते हैं सेकेंड इस कि हमें इनिशियल अर्निंग्स चाहिए थी अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस से जो भी हमने टीम बनाया था उनके एक्सपेंसिस निकालने के लिए इनिशियली so हमने हमने ऐसे ही किया पहले ब्लॉगिंग के लिए अपनी टीम बनाया फिर अपनी टीम के वर्क को ही हमने आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया दूसरों के लिए लाइक like मेरे मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ तो किसी और को मैं करवा देता हूँ उस टीम का यूज हो जाएगा उस टीम का यूज हो जाएगा प्लस उनसे हमें सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया हूँ तो शुरू कब किया था आपने 2018 में 18 में शुरू किया था yes. तो 2018 में शुरू किया था क्योंकि 2018 में अभी एक काफी पॉपुलर है लाइक ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग बहुत सारे लोग जानते हैं इवन अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो शुरुआत कई लोग

इज कैसे कर सकते हैं तो मैंने सिंपली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसके लिंक बनाया उसके लिंक मैंने कमेंट uh, सेक्शन में ऐड कर दिया कि हम बिजनेस आइडियाज यहाँ पर डिस्कस करेंगे hmm. तो वहां पे 200 प्लस लोग ने ज्वाइन किया इंडिया से यूएस से हम वहां पर अलग अलग बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते थे okay. जिसको बिल्कुल भी बिजनेस का आइडिया नहीं है वो बाकी दो लोगों को देख रहा है कि वो बिजनेस के बीच में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या पॉइंट्स क्या के पी आई तो उस टाइम हमें टर्म भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई टर्म होता है वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे फिर हमने देखा कि वहां पर कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ब्लॉग से स्टार्ट किए थे वो इंडियन थे यूएस में रह रहे थे वो अपने कॉलेज स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में ब्लॉग्स कैसे स्टार्ट किया तो उस टाइम हमें डिस्कशन में ये लगा कि कि ब्लॉग समथिंग की जो हम हम स्टार्ट कर सकते हम सकते like सकते हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं और सकते हैं और इसमें अच्छे से से खूबसूरती है है वर्क फ्रॉम होम लाइक कहीं भी कभी हमने सेटअप किया वर्ड वेबसाइट्स वगैरह थोड़ा बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप इधर उधर करके बनाया क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन में था मुझे वेब का तो इतना okay. आइडिया नहीं था वेब डेवलपमेंट नहीं पता वेब डेवलपमेंट पता था बट मैं कभी करता नहीं था तो जस्ट देखा वर्ड प्रेस में क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं फिर इतना टाइम उस पर ना देकर वो काम भी मैंने आउटसोर्स कर दिया क्योंकि हमें फ्रीलांसिंग साइट से थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ में डेवलपर्स मिल गए जो वेबसाइट बना सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप वर्ड ब्लॉग अपना बनाना चाहते हैं तो आपको पंद्रह सौ रुपये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा का पूरा फ्री में वर्ड ब्लॉग ट्यूटोरियल हमने बना के रखा है आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक होस्टिंग की उसमें भी अगर आप एक साल का होस्टिंगर का प्लान लेते हैं तो आपको डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाता है और उसमें आप एक से ज़्यादा वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और अगर आपको इससे भी कम प्राइस चाहिए तो नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है होस्टिंगर का फ्लेट लिंक वहां पे क्लिक करना है उसके बाद कूपन कोड यूज करना है सतीश के जिससे आपको 10 परसेंट का इंस्टेंटली डिस्काउंट हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको एक और ऑफर चाहिए तो आप अपने इन्वाइस को हमें मेल कर सकते हैं गिफ्ट एट द रेट सतीश डॉट कॉम पे जहां पर हम आपको फ्री में

एक महीने में हाईएस्ट इनकम कितनी अक्टूबर नवंबर uh, में हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो था वो तो आप देखो साहब इसके लाइक जीता सबूत है पहला क्लाइंट को आपने कैसे बनाया था या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर तो सबसे बड़ा चैलेंज उनको यही आता है कि मुझे लिखना तो आता है मान लो कंटेंट लेकिन लिखूंगा किसके लिए ओके मैं आप एक

हमने तो जैसे आपको बताया था इनिशियली कि हमने कई सारे ग्रुप्स थे हमने उस ग्रुप को ज्वाइन किया फेसबुक ग्रुप फेसबुक ग्रुप्स पे हमें इनिशियल लेवल पे क्लाइंट वहां से मिले थे बट अगर आज कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है उससे अगर क्लाइंट्स ढूंढना है क्लाइंट सर्च करना है या तो वो किसी एजेंसी लाइक वर्ड्स क्लाउड जो हमारी एजेंसी है उनके साथ वर्क कर ले अदरवाइज hmm. अगर वो किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ वर्क करना चाह रहे इंडिविजुअल कंपनी के साथ वर्क करना चाह रहे हैं hmm. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अपवर्क हो गया प्रो ब्लॉगर हो गया और अगर इंडियन लेवल पे वर्क करना है इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क करना है इंडियन कंपनीज के साथ वर्क करना है तो नौकरी डॉट कॉम और इस तरह के और भी जो वेबसाइट्स हैं आप इनिशियल लेवल पर उस कंपनी के साथ वर्क कर सकते हो जहाँ से आपको आपके वर्क के लिए बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे आई थिंक ये इनपुट एक राइटर को अपग्रेड करने के लिए अपने आप को काफ़ी हेल्प करते हैं राइट जैसे आपने बताया कि इनिशियली अगर कोई राइटर है उसने स्टार्ट किया वर्क और अपने लिए लिख रहा है अगर आप अपने लिए वर्क कर रहे हो अपने लिए लिख रहे हो मे बी आपको इनपुट्स नहीं मिल रहा है आपके जो फॉलोवर्स हैं आपके जो रीडर्स हैं उस कंटेंट को रीड कर रहे हैं आपको उनके थ्रू मिल रहा है कि हाँ मतलब दे लव द कंटेंट दे लव द वैल्यू बट अगर आपको एक बड़े लेवल पे ऑडियंस को रीच करना है आपने सपोज आप रीच कर रहे हो उस, उस लेवल पे जो अभी मीडियम बिजनेस कर रहे हैं बट आपको अब अपना कंटेंट उनके लिए लिखना है जो सी है जो सी एक्स है किसी कंपनीज के लिए तो आपको तो लैंग्वेज

Uh, मेरी ऑडियंस को बताइए कि आपका क्या काम करने का स्टाइल है आप कैसे करते हो कैसे कंटेंट बनाते हो या फिर आप जो आपके साथ टीम में जो लोग आपने बताया हंड्रेड प्लस राइटर्स हैं तो उनका कैसे यूज करते हो आप ओके okay. आप प्रोसेस सो सपोज so, अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट को ऑर्डर आता है कि सपोज दीज आर हंड्रेड आर्टिकल्स ये टॉपिक्स है ये रिसर्च है सॉरी ये रेफरेंसेज है ये की है जो कि हमें यूज करते हैं अपने पर्टिकुलर वो लोग देते हैं वो चीज़ हमें मिलता है क्लाइंट के एंड से उसके बाद हमारे पास जब ऑर्डर्स आता है ये चीज़ हम टीम के साथ इंटरनली डिस्कस करते हैं ये ऑर्डर है ये डेडलाइन है ये क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से ये क्वालिटी इनको चाहिए राइट फिर हम उससे देखते हैं कि हम अपने राइटर्स के लिए ये सारे डेटा ईज़िली अवेलेबल कैसे करा सकते हैं तो इसमें तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं एक होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो टेक केयर ऑफ़ एवरी थिंग कि राइटर्स को क्या देना है एडिटर्स को क्या देना है और उनके अंड से अगर सब चीज़ें पास हो गया है और इस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आए तो वो उसको रिव्यू करें क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट हुई है कि नहीं उसके बाद वो हम पास करते हैं उसको क्लाइंट को ओके राइट सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स पहले क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में या क्लाइंट की वेबसाइट के बारे में रिसर्च करते हैं डेटा निकालते हैं वो सारे डेटा हम एक डॉक्यूमेंट में कवर करके अपने एडिटर्स को देते हैं और राइटर्स को देते हैं मीटिंग करते हैं उनके साथ उनको हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की कंपनी के बारे में बताते हैं सो so दैट उन वो पहले समझ सके हम लिख किसके लिए रहे हैं है। उसके बाद राइटर्स वर्क करते हैं एडिटर्स उसको रिव्यू करते हैं क्योंकि कोई भी एक आर्टिकल अगर एडिटेड नहीं है तो हमेशा वो इनकम्प्लीट आर्टिकल होता है तो एडिटर्स मस्ट है किसी भी राइटिंग के लिए तो राइटर्स जब उसे पूरा राइट करते हैं एडिटर्स उसको रिव्यू करते हैं इनकेस अगर कुछ मिस हो गया है और माइनर चेंजेस है वो हमारे एडिटर्स ख़ुद करते हैं इन केस अगर कुछ मेजर एडिट्स हैं जो उन्हें मतलब लग रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है या फिर बिल्कुल प्रॉपरली uh, फ्रेज नहीं है इन करेक्ट लैंग्वेज यूज़ हुआ है तो उसे हम दोबारा रिवक्स के लिए देते हैं सो so, ये सारा जो इंटरनली प्रोसेस रहता है ये सारा जब फिनिश होकर हमारे पास एक एडिटर पासड आर्टिकल आता है वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिव्यू करते हैं कि क्लाइंट की जो गाइडलाइंस है जो हमने अराउंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू चेकलिस्ट होती है हमारी जिसके बेसिस पे हम क्वालिटी चेक करते हैं okay. अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हो रही हैं तो ये आगे हम पास कर देते हैं क्लाइंट को फिर क्लाइंट के एंड से अगर कुछ रिवर्क रिव्यूज कुछ आता है फिर इंटरनली हम उसको मैनेज करते हैं ओके okay, मतलब कि ये तो आपने पूरा प्रोसेस बता दिया right. कि आपका काम कैसे हो रहा है right. लेकिन अगर मुझे जानना है कि कंटेंट को बनाने के लिए hmm. क्या आपका प्रोसेस रहता है सो so, ये प्रोसेस बेसिकली एक राइटर का रहता है कि राइटर क्या करता है कि उसकी पर्टिकुलर आउटलाइन बनाते हैं आउटलाइन हमारी टीम के के एडिटर्स साथ शेयर होती है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग अगर वो एक बार उसको रिव्यू कर लेते सब कुछ सही है वो राइटर स्टार्ट करता है उस पर रिसर्च करके पूरा आर्टिकल कम्प्लीट करता सेम प्रोसेस एडिटिंग होती है एंड उसके अलग और एक और चीज़ जैसे कि कंटेंट राइटिंग का नाम आता है तो लोगों के मन में ज्यादातर यही दिमाग में आता है कि सिर्फ ब्लॉग आर्टिकल्स hmm. इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कंटेंट राइटिंग के अंतर आते हैं श्योर sure. सो so, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग हम वेबसाइट कंटेंट राइटिंग होता है जो वेब कॉपीज़ होती हैं कापी राइटिंग अलग चीज़ होता है कि जब हम लैंडिंग पेज की कॉपीज़ लिखते हैं जो फॉरेन के राइटर्स होते हैं कॉपी राइटर्स वो एक एक लैंडिंग पेज के अराउंड टू लाख थ्री लाख रुपीज़ को चार्ज करते हैं रीज़न उनका ये होता है क्योंकि आपकी जो लैंडिंग पेज कॉपीज़ रहती है उसके बेसिस में उन्हें सेल्स आती है काफ़ी ज़्यादा अगर आप कि कॉपी इतनी स्ट्रांग है आपने उनको इतना कन्विंस कर दिया कि वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं वो आपके सर्विस को ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सो जस्ट लेवल की वो वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए वो उस अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं ओके या सो एक कॉपी राइटिंग हो गया कंटेंट राइटिंग में आपका ब्लॉग्स राइटिंग वेबसाइट कंटेंट राइटिंग गेस्ट पोस्टिंग अगर आप <coughs> किसी दूसरे के ब्लॉग्स पे पब्लिश कर रहे हो वो कंटेंट होता है देन अगर हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात करें तो आपकी एड कॉपीज आपका यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट आपका पॉडकास्ट स्क्रिप्ट ये सारी चीजें भी आपकी कॉन्टेंट लिंगडिन वगैरह पे लिंगडिन पोस्ट और सोशल मीडिया पोस्ट ट्विटर हैंडल्स

फिफ्टी क्लाइंट फोर्टी फिफ्टी क्लाइंट मतलब कि मोटे मोटे ऑर्डर आते रहेंगे आपको हाँ मतलब वो हमारे रेकरिंग क्लाइंट्स रहते हैं हम जनरली काम mm. क्लाइंट के साथ करना प्रेफर करते हैं कि जिनसे हमें एक रेगुलर वर्क आए क्योंकि कंटेंट राइटिंग या समथिंग की अगर आपको डिमांड आ जाए आपको डिमांड कल भी होगी आपको डिमांड आगे भी होगी क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वो वन टाइम वाले बहुत कम होते हैं वो वन टाइम वालों को मतलब ये रहता है कि जस्ट उन्हें वेबसाइट कॉन्टेंट चाहिए समथिंग ऐसा फिर उसके बाद उनका वो वर्क फिनिश हो जाता है okay. तो जनरली हम क्या ब्लॉगर्स एफिलिएट मार्केटर्स एस कंपनीज

जो आपका आर्टिकल है वो किस ग्रेड के लेवल का है सपोज वो क्लास सिक्स ग्रेड को भी अगर समझ में आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड रेडेबिलिटी कि वो हर किसी को समझ में आ जाएगा अगर उसकी ग्रेड रीडेबिलिटी सिक्स है अगर टेन है फिफ्टीन है मी आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख रखे हैं जो कि ईजी टू तो अंडरस्टैंड नहीं है हर किसी के लिए okay. कॉपी स्केप

वेरी इंटरेक्टिव इंट्रोडक्शन राइट जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हमें पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर चलना वो चैट जीपीटी को पता है कि आप कैसे बोलते हो आपकी स्टाइल क्या है एक राइटर आपके स्टाइल में शायद नहीं लिख पाएगा जितना अच्छा चैट जीपीटी लिख लेगा बट चैट जीपीटी वो डेटा नहीं दे पाएगा जो हम रिसर्च कर सकते हैं एज अमूमन हम जो रिसर्च कर सकते हैं आपको पता है आप अगर यूट्यूब कर रहे हो तो आपको बहुत सारे डेली पता होंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं वो आप ही बता सकते हो वो कोई भी टूल आ जाए वो नहीं बता सकता है राइट So, एक ह्यूमन को एक राइटर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कभी भी। मतलब है आप अपने लेवल को चैट जीपीटी को यूज करके अपने लेवल को काफी बढ़ा सकते हैं जैसे आपने बताया टेन एक्स तक हम राइट और बेटर कर सकते राइट क्योंकि मैं भी पहले अपने राइटर्स को स्ट्रिक्टली बोलता था बिल्कुल भी यूज नहीं करना कोई भी ए आई टूल्स हम ए आई चेकर्स के थ्रू चेक करते हैं कि हमारा कोई भी कंटेंट ए आई टूल से जनरेटेड ना हो हाँ, लाइक अगर आपने चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको पता लगाया जा सकता है कि ए आई से लिखा हुआ कंटेंट है कॉन्टेंट right. एक झटके में पता लग जाएगा आप बिल्कुल इनफैक्ट अगर ये नॉर्मल टूल्स पता कर ले रहे हैं तो गूगल के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है पता करता की ए आई जनरेटेड टूल इनफैक्ट गूगल ने तो ये बोल रखा है ना कि अगर उस ए आई लिखे गए ए वाले कॉन्टेंट में भी अगर वैल्यू है तो हम उसको लाइक like आएगी ना जब वो एक ह्यूमन अपना टच देगा, देगा अपनी इंफॉर्मेशन देगा मतलब उसकी हेल्प ले सकते हैं न कि पूरी तरीके से depend... आप कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते करेक्ट करेक्ट ओके तो, okay, तो जैसे आप एक चीज मेरे को बताना चाहो आपके साथ सौ लोगों की टीम है तो इतनी बड़ी टीम कैसे हैंडल करते हो हमारी जो कोर की टीम है मैनेजर्स एडिटर्स हैं वो उनको पता है कि हर एक मतलब सपोज अगर ये हम किसी प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में टेन या फिफ्टीन राइटर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं हमें डेली रहता है कि हम डेली अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड वर्ड्स हमें क्लाइंट को डिलीवर करना ही करना है तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर चार एडिटर्स रहते हैं उस चार एडिटर्स के अंदर और राइटर्स रहते हैं तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पता है कि उसको डेली का वन लाख वन लाख वर्ड्स का प्रोडक्शन करना है और अपने टीम से कराना है इन केस अगर किसी राइटर की बैंडविथ है फाइव हंड्रेड वर्ड्स तो हम उसकी बैंडविथ के अकॉर्डिंग उसको वर्क देते, देते हैं किसी राइटर्स के टू थाउजेंड वर्ड्स हम उनके बैंडविथ के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क देते हैं ओके बट वी मेक श्योर कि जो भी राइटर्स है राइटर्स को भी एक प्रेशर ना आए ओवर प्रेशर ना आए कि हम मीन्स क्वालिटी हमें किसी भी तरह से क्वालिटी ख़राब नहीं करनी है जो हम क्लाइंट को अपने डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि तो क्लाइंट बनाने में ईयर्स लग जाते हैं

मतलब बेस्ट वे में लिख सकते हैं ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है इसके कंटेंट बहुत कम है कि जो कि क्लाइंट के एंड से रिजेक्ट होते हैं तो हम उन मैनेजर्स उन एडिटर्स उन राइटर्स को असाइन करते हैं इनिशियल लेवल पे और उसके बाद वो लोग चेक करते हैं बाकी राइटर्स के वर्क टू तो मेक श्योर कि क्वालिटी भी खराब ना हो और जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी फ्लफ कंटेंट नहीं हो वेल्युबल कंटेंट हो जो कि हम रीडर्स को दे रहे हैं बिल्कुल तभी तो वापस

टू मैनेज द थिंग्स बट जो हमारे ज़्यादातर राइटर्स हैं वो फ्रीलैंसिंग बेसिस पे हैं okay. जो हमारे एडिटर्स होते हैं वो आवरली बेसिस पे होते हैं क्योंकि हम परवर्ड बेसिस में एडिटर्स को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं सो हमारे एडिटर्स जो होते हैं वो आवरली बेसिस पर होते हैं hmm. एंड मैनेजर्स हमारे सैलरी बेसिस पर रहते हैं मैनेजर्स और कुछ एडिटर्स हैं कुछ राइटर्स हैं जो कि सैलरी बेसिस पर रहते हैं तो एक्सपेंस कितना पड़ जाता होगा महीने का आई थिंक थिंकेंट हमारा एक्सपेंस रहता है टू जिसमें सारी सैलरीज इन्वॉल्व रहती हैं बाकी अदर एक्सपेंसिस कंपनी को रन करने के लिए जो भी होते हैं वो सारे फिर उसमें ही से कुछ सेविंग्स हमारी होती है जो कि हम मार्केटिंग और अदर चीजों के लिए सेव करते हैं और जैसा कि आपने बताया कि हाईस्ट जो आपको इनकम हुई थी अराउंड फिफ्टीन लाख की हुई थी एक महीने में जो रेवेन्यू आपका oh, हुआ था तो अब ऑन एन एवरेज कितना रहता है ऑन एन एवरेज सिक्स टू सेवन लैख सेवन सेवन सिक्स टू सेवन अगर जैसे कोई नया बंदा देख रहा है एज अ फ्री लांसर राइटिंग को करना कितना सही है मतलब इस समय 2023 में बिल्कुल अच्छा है आप इनफैक्ट आपके लिए बहुत सारी टूल्स आ गए जैसे कि चैट जी आ गया जो आपके इनिशियल लेवल ऑफ राइटिंग्स को एक एक्सपीरियंस लेवल ऑफ राइटिंग ला सकते हैं अगर आपने स्टार्ट किया अभी एज अ राइटर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आप बेस्ट हो जाओ अपने रिसर्च के लिए टोन फ्रेजिंग अपने एंड से आप जो बेस्ट कर सकते हो वो करो जहाँ पे आपको इश्यूज़ लग रहे हैं जहाँ पे हेल्प चाहिए चैट जी पी टी इज़ देअर आप उसको यूज़ करो बट अपने एंड से रिसर्च करो एक बहुत अच्छा आप कंटेंट जनरेट करोगे जो आउटपुट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा तो सपोज मुझे लिखना आ गया कॉन्टेंट राइटिंग अब मैं किसके लिए लिखूँ मैं कहाँ पर काम मांगने जाऊँ ओके सो so, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो काफी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर तो इनिशियल लेवल पे अगर आप कंपनी के साथ जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में जॉब कर लो कंटेंट राइटिंग के लिए वहाँ पर आपके सीनियर राइटर्स होंगे जो कि आपको इनपुट दे सकेंगे आप कैसे इंप्रूव करो इनिशियल लेवल में मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा वो फुल टाइम के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें बट अगर आपको ज़्यादा बेनिफिशियल वो ज़्यादा बेनिफिशियल बट अगर आप कंटेंट राइटिंग एज अ साइड हासिल कर रहे हो आप किसी भी राइटर के लिए एज ए असिस्टेंट स्टार्ट कर लो इनिशियल लेवल पे उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ वर्क करो एजेंसीज के साथ वर्क करो जहाँ से आपको एक रेगुलर वर्क मिल सके जनरली क्या होता है राइटर्स के एंड से अगर मैं बताऊँ किसी क्लाइंट के साथ अगर वो वर्क करते हैं तो उनके पास आ, मतलब सपोज आज रिक्वायरमेंट है कल रिक्वायरमेंट नहीं है कभी और रिक्वायरमेंट्स आ गए कभी नहीं है किसी एजेंसी के साथ वर्क करने में हमारे जैसी और भी एजेंसीज हैं किसी भी एजेंसीज के साथ अगर वो वर्क कर रहे हैं उन्हें ये रहता है कि अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है काफ़ी अच्छा कंटेंट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें एक रेगुलर वर्क मिलने की नाइन्टी प्लस परसेंट चांसेस रहती है कि उन्हें एक रेगुलर वर्क मिलता जाएगा एक ख़त्म होगा दूसरा आएगा दूसरा खत्म होगा तीसरा आएगा क्योंकि वो एजेंसीज़ क्या कर रही हैं वो क्लाइंट क्लाइंट पे फोकस कर रहे हैं वो क्लाइंट्स लेकर आ रही हैं सो so दैट हमारी जो टीम है उनको रेगुलर वर्क मिलता रहे बराबर लाइक आप, आपको हो गए तीन चार चार साल हो गए और कंटेंट राइटिंग वाले काम को करते हुए तो आप ये बता सकते हैं कि इन चार सालों में आपने कितना बनाया होगा कंटेंट राइटिंग से चार सालों में एक टफ नंबर है क्योंकि <laughs> जो, जो सबसे अच्छी हमारी अर्निंग हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी वो 1.5 पॉइंट का हमारा रेवेन्यू था एक साल में एक साल में उसके पहले थोड़ा कम था उसके पहले और कम था इस साल हम लोगों का चांसेस है कि मे हम वो जो लास्ट वो लास्ट वो हमारा लास्ट रेवेन्यू था वन पॉइंट वो उसको क्रॉस करें इनिशियल लेवल में डाउटफुल लग रहा था बट नाउ वी आर पेटी श्योर कि ईजिल हम इसको फाइव टाइम्स बेटर कर सकते हैं के के आने से के आने से से लाइक चैट वगैरह इफेक्ट आपके बिजनेस पे इनिशियल लेवल पे पड़ा इनिशियल लेवल पर हर कोई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था हर एक क्लाइंट एक्सप्लोर कर उसको लगा कि मेरा कंटेंट राइटिंग का पैसा बच जाएगा हाँ से मैं यहाँ से मतलब डी से खुद से जनरेट कर लूंगा मे बी अगर कोई इनिशियल लेवल पे है सिंगल पर्सन है उसको ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है और उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है उसके पास टाइम है डेफिनेटली वो रिसर्च करे अपना कंटेंट लिखे चैट जी पी टी के थ्रू और कंटेंट पोस्ट करें बट मेक श्योर ये कि मेक श्योर sure उन्हें यह करना है कि कंटेंट आपका टोटली ए आई जनरेटेड ना हो फ्लफ कंटेंट ना हो क्योंकि चैट जी पी टी को मैंने इतना एक्सप्लोर किया है मैंने ये देखा है बहुत सा बहुत टाइम में क्या होता है कि आ, जो डेटा वो देता है वो बिल्कुल गलत रहता है Hmm. आप कंटेंट अगर दे रहे हो आपका पूरा ही एआई कंटेंट है और डेटा गलत है गूगल आपकी वेबसाइट को कब पेनलाइज कर देगा आपकी EOS की मेहनत सब खराब चली जाएगी ग्रेट राइट सो अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो टू राइट योर ओन ब्लॉग आल्सो मेक श्योर यू डू योर बेस्ट रिसर्च थैंक यू सो मच विराग जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और दोस्तों जाते जाते बताना चाहूंगा कि ये जो एट शूट स्लिप रिपीट जो क्रिएटर्स के लिए स्पेशल जो टी शर्ट है ये आ चुके मचाते रहो डॉट कॉम पे तो नीचे इसका लिंक है चेकआउट जरूर कर लेना तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए और जो लोग पहली बार आए इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो